इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभी तजिकिस्तान में विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि एलएसी पर चीन की कोई बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं घर पर अपने देश में राहुल गांधी ने आज संसद की डिफेंस कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया क्योंकि वो एलएसी और बॉर्डर से जुड़े मुद्दों पर बात करना चाहते थे लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली। राहुल गांधी के तेवर इसलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि आज सेना की एक स्टेटमेंट ने उनके एक ट्वीट पर सवाल उठा दिए थे। एलएसी को लेकर राहुल गांधी का एक ट्वीट सवालों में घिर गया है। राहुल गांधी ने एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देकर लिखा है कि मोदी सरकार में देश कमजोर हुआ है, भारत इतना असुरक्षित कभी नहीं रहा। जो न्यूज रिपोर्ट राहुल गांधी ने ट्वीट की थी उसकी हेडलाइन देखिए, लिखा है कि चीन और भारत की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में फिर से झड़प हुई है। थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो लिखा है कि चीन ने कई जगह घुसपैठ की है और दोनों सेनाओं के बीच उसी गलवान नदी के पास झड़प हुई जहां 15 जून को चाइनीज आर्मी के हमले में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। राहुल गांधी से सवाल किया जा रहा है कि उन्होंने बिना पुष्टि किए ऐसी रिपोर्ट क्यों ट्वीट की, ये जानते हुए कि ऐसी मीडिया रिपोर्ट भारत और चीन के बीच बातचीत पर असर डाल सकती है। ऐसे में इंडियन आर्मी ने फौरन एक स्टेटमेंट जारी किया। सेना ने कहा है कि एलएसी को लेकर जो खबर 14 जुलाई को छपी है वो सरासर गलत है, पूरी तरह आधारहीन है। गलवान या किसी और जगह झड़प बिल्कुल नहीं हुई है और ये रिपोर्ट बुरे इरादे से छापी गई है। इंडियन आर्मी के द्वारा औपचारिक तौर पर यह कहा गया कि भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच गलवान में पिछले दिनों कोई भी क्लैश नहीं हुआ, रिपोर्ट पूरी तरीके से निराधार है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक दरअसल डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के बाद कोर कमांडर लेवल टॉक्स में यह तय कर लिया गया था कि दोनों सेनाएं पीछे की तरफ जाएंगी, फेस ऑफ की स्थिति ना हो, इसीलिए इस बात का पूरी तरह से पालन भी किया गया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा उठाया और इस पर सीधे सरकार को घेरा। उनका ट्वीट करना इसलिए गंभीर है क्योंकि 15 जून के बाद से दोनों सेनाएं एलएसी पर आमने सामने तो हैं, लेकिन सेना का दावा है कि फिर कोई लड़ाई जैसी नौबत नहीं आई। फरवरी में भारत और चीन की सेनाओं ने पेंगोंग झील के दोनों तरफ यानी फिंगर्स एरिया और कैलाश रेंज से पीछे हटने का फैसला किया था। इस डिसएंगेजमेंट के बाद पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे और दक्षिण में कैलाश रेंज से दोनों सेनाएं पीछे हट गई थी। फिंगर एरिया पे पेंगोंगसो के फिंगर फोर से हटते हुए चाइनीज पीएलए अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानते हुए फिंगर एट पर पहुंचा और खुड़नाक फोर्ट जहां पे उसका बेस है वहां पर तैनात है। भारतीय सेना फिंगर टू और धानसिंह थापा पोस्ट को डोमिनेट कर रही है और चाइनीज पीएलए की हर एक हरकत को मॉनिटर कर रही है। वहीं कोंकाला रिचिल्ला इन सभी एरियाज में खासतौर पे स्पांगूर गैप की तरफ जो चाइनीज पीएलए का डिप्लॉयमेंट था वो पीछे की तरफ हटा और अप्रैल 2020 के स्टेटस को यहां पर भी चाइनीज पीएलए ने माना। इसमें कोई शक नहीं कि लद्दाख में एलएसी पर टेंशन बरकरार है, दोनों तरफ से बातचीत अब भी अलग अलग दौर में चल रही है। राहुल गांधी जी, चीन को मजबूत करना और भारत को कमजोर करना आपके लिए आपका शौक होगा, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको बता दें, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं, एक एक इंच भूमि सुरक्षित है और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारी भूमि पे एक इंच भी कब्जा कर सके। एलएसी पर अभी मौजूदा हालात क्या हैं? भारत और चीन की सेनाएं कहां आमने सामने हैं और कहां पीछे हट चुकी हैं? अब इसे पूरी डिटेल के साथ समझिए। पेंगोंग झील के उत्तरी चीन की सेना फिंगर एट के पीछे लौट चुकी है, भारत की फिंगर थ्री के पास है। यहां पीछे हटने से पहले दोनों सेनाएं फिंगर फोर के पास आमने सामने तैनात थी। पीछे हटने से पहले भारत ने कैलाश रेंज के बाद यहां भी अपनी पोजीशन मजबूत कर ली थी। चुशूल की तरफ कैलाश रेंज से दोनों सेनाएं पीछे हट गई हैं।
गलवान घाटी में चीन की सेना पीछे हट चुकी है। उत्तर में डेपसांग के मैदान पर दोनों सेनाएं अब भी आमने सामने हैं। इस रिपोर्ट में जिस गलवान का जिक्र किया गया, दरअसल PP-14 पर 2.1 किलोमीटर की दूरी दोनों देशों की सेनाओं के बीच है। ये दरअसल इसलिए डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत तय किया गया था कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने ना हो और फेस ऑफ की कंडीशन यहां पर पैदा ना हो। इसके साथ साथ गोगरा और हॉटस्प्रिंग में भी जो फ्रंट लाइन ट्रूप्स हैं वो पीछे की तरफ हट चुके हैं। डेपसांग पर अभी भी दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग नहीं कर रही है, लेकिन तिब्बत की जमीन पर कब्जा करने वाला चीन आक्रामक बना हुआ है। चीन लगातार तिब्बत में एक्सरसाइज कर रहा है। चीन की सेना का ये वीडियो देखिए। जिनपिंग के आदेश पर चाइनीज आर्मी ने ऐसे बहुत से वीडियो बनाए हैं। छोटी छोटी वॉर एक्सरसाइज करके चीन बार बार ये बताने की कोशिश करता रहा है कि LAC पर उसकी धमकी वाली रणनीति जारी रहेगी। एंटी टैंक मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी यानी तोप, टैंक मिसाइल, चीन ने अपने कई नए हथियार आजमाए हैं और आजमा भी रहा है। इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक उन्होंने इस बात को कहा कि दरअसल इस बात को पूरी तरीके से वो मॉनिटर कर रहे हैं। चाइनीज PLA की हर एक हरकत को मॉनिटर कर रहे हैं, यहां तक कि चाइनीज PLA ने जो पिछले दिनों एक्सरसाइज की है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन इस समय डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत चाइनीज PLA ने जो अप्रैल 2020 के स्टेटस को वो मानने की बात कही थी, दरअसल वो उसे मान रहा है। उसने अपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स, अपने आर्टिलरी गन्स, यहां तक कि जो सर्विलांस इक्विपमेंट उन्होंने फॉरवर्ड किए थे, उन सभी को पीछे की तरफ ले जा चुका है। जुलाई के महीने में चीन ज्यादा आक्रामक हुआ है। दक्षिणी लद्दाख में डेमचोक के करीब का ये वीडियो देखिए। ये चाइनीज सैनिक हैं जो लाल रंग का बैनर लहरा रहे हैं। ये वीडियो 6 जुलाई का बताया जा रहा है। घटना डेमचोक के 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में कोयूल के पास सिंधु नदी की है। चाइनीज आर्मी डेमचोक में ये बताने आई थी कि स्थानीय लोग दलाई लामा का जन्मदिन ना मनाएं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।